संहिता इसके 511 सेक्शंस है, कलमें हैं, जिन्हें हम कानूनी सेक्शंस कहते हैं। स्वर्गीय सैयद हाजी उस्मान डोंगरे नगर परिषद शाळा क्रमांक 2 बुलढाणा येथील विद्यार्थ्यांना पोलीस स्टेशन व नगरपालिका यांच्या कामाची माहिती व्हावी म्हणून आज दिनांक 10 ऑक्टोबर बुधवार रोजी सकाळी 11:30 वाजता ठाणेदार यू के जाधव यांच्या पूर्व परवानगीने शैक्षणिक सहलीचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी आलेल्या विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था करून त्यांना पोलिसांकडून बिस्किटचे पुडे आणि थंड पाणी देण्यात आले। ठाणेदार यांनी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या निरनिराळ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली, तसेच अश्रुधूर लाठीचार्ज रायफल दाखवून त्याचा उपयोग कसा व कुठे केला जातो याची माहिती दिली। या प्रसंगी मुख्याध्यापकांसह सर्व शिक्षक उपस्थित होते। त्यानंतर नगरपालिकेच्या माहितीसाठी बुलढाणा नगरपालिका येथे विद्यार्थ्यांनी भेट दिली, तेथे विविध विभागांचे कामकाज कसे चालते याबाबत माहिती देण्यात आली। विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना नगरसेवक व मुख्याधिकारी वाघमोळे यांनी उत्तरे दिली। मुख्याध्यापकांनी नगरपालिका आणि पोलीस स्टेशन यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानले। जो शिकायत करता होता है, इनके साथ जो भी वाकया बाहर में प्लेस हुआ है, घटा है, वो शिकायत यहाँ पे लिखी जाती है। अब कानून के जो IPC इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता इसके 511 सेक्शंस है, कलमे हैं, जिन्हें हम कानूनी सेक्शंस कहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 511 है। तो हर बात के कानून अलग अलग होते हैं। आपका प्रॉपर्टी ऑफेंस होगा यानी चोरी हुई होगी तो उसके सेक्शंस अलग होते हैं। महिलाओं के साथ कोई गलत व्यवहार किया गया होगा उसके सेक्शन अलग होते हैं, या आपका एक्सीडेंट हुआ होगा उसके सेक्शंस अलग होते हैं। तो कानून बनाने वाले ने ऐसी सारी बातें उसमें इन्वॉल्व करके रखी है। कोई घटना ऐसी छुट्टी नहीं कि जिसके ऊपर कोई रिमेडी नहीं या उपाय योजना नहीं या कोई कानून नहीं, ऐसी कोई बात छुट्टी हुई नहीं है। योजना नहीं या कोई कानून नहीं, ऐसी कोई बात छुट्टी हुई नहीं है। जो विद्यमान SP साहब के अंडर में ये ब्रांच काम करती है, ये ब्रांच का जो ज्यूरिडिक्शन है ये ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट होता है। इनका काम क्राइम प्रोटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन बेसिकली ये होता है। एट द सेम टाइम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ये एक लोकल क्राइम ब्रांच LCB को भी होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।